हाय एवरीवन, माय नेम इज सचिन संदेल एंड वेलकम टू माय चैनल कैनेडा टू नॉर्थ। आज हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो अगर आप कैनेडा आ रहे हैं अपनी होम कंट्री से, तो कौन सी चीज़ें हैं आपको करनी चाहिए और वो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, लेकिन वो हम देखेंगे इस इंट्रो के बाद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए कनाडा में आने से पहले, और एंड में मैं एक लिस्ट भी बता दूंगा कि अगर आप स्पेसिफिक चीज़ें सोच रहे हैं जैसे बर्तन कपड़े, तो क्या क्या लेकर आएँ और क्या क्या ना लेके आएँ, तो ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके और आपके फैमिली के रिगार्डिंग, वो आप संभाल के रख लें ताकि आप यहाँ पे लेके आएँ। आपसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी जाती है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स कई बार मांगे जाते हैं, तो तब आपके पास वो होने चाहिए। सो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले आ जाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, आपके और आपके फैमिली के बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट्स, क्योंकि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो पासपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपके मैरिज या फिर डाइवोर्स के या फिर अडॉप्शन के सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो भी आप संभाल के रखें और आप अपने साथ लेकर आएँ। उसके बाद आ जाता है जितनी भी आपने पढ़ाई करी है, तो डिग्रीज हैं, डिप्लोमाज हैं या फिर ट्रांसक्रिप्ट्स हैं आपके आपके बच्चों के, वो भी आप अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि अगर आपने आगे पढ़ाई करनी है तो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और आपके कोई वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड्स हैं या फिर आपके कोई टेस्ट होते हैं, कोई आपके मेडिसिन चल रही हैं, डॉक्टर के रिकॉर्ड्स हैं, वो भी साथ में लेके आएँ, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे एक फैमिली डॉक्टर बनाएंगे तो वो आपके सारे रिकॉर्ड्स मांगते हैं, ताकि उसके बेसिस पे वो आगे आपको प्रिस्क्राइब कर सकें कि किस तरह की मेडिसिन जो है वो आपको चाहिए होगी। और उसके बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लेके आ सकते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस का एक एब्स्ट्रैक्ट मिलता है जो RTO में मिलता है, जो मैंने अपनी ड्राइविंग लेसन वाली वीडियो में भी बताया था, उसका मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपने यहाँ पे आके G-Test देना हो। और अपना एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी ला सकते हैं, लेकर मैं भी आया था लेकिन यूज़ हुआ नहीं था, क्योंकि मैंने यहाँ का लाइसेंस बहुत जल्दी ले लिया था, तो वो भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। अगर आप क्यूबेक में जा रहे हैं तो वहाँ पे इंडियन लाइसेंस के बेस पे आप गाड़ी चला सकते हैं कुछ टाइम तक, तो वहाँ पे वो परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं वो इंश्योर करें कि यहाँ पे इंग्लिश में या फिर फ्रेंच में हो। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स जैसे बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह आपके रीजनल लैंग्वेज में है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के ही लेके आएँ। जो नोटरी होगा आपके वहाँ पे, आप उसको नोटराइज्ड करा सकते हैं, और सिर्फ यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज में वो चीज़ होगी, वो डॉक्यूमेंट होगा, तभी वो यहाँ पे मान्य होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी चाहिए यहाँ आने से पहले, आपने आपके पास CUPR जो है, कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी आ चुका है, आपने इंग्लिश का टेस्ट दिया होगा और सारे एग्ज़ाम क्लियर करके ही आपके पास कुछ पॉइंट्स बने होंगे, लेकिन आप एक ये भी एफर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्यूबेक में जा रहे हैं, वहाँ पे फ्रेंच की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो फ्रेंच लैंग्वेज अगर आप सीखें तो वो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, या फिर आप इंग्लिश में भी उसको बेटर कर सकते हैं, आप यहाँ के स्लैंग सीख सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में किस तरह से यहाँ पे कॉन्वर्जेशन होती है, क्योंकि यूजुअली अलग अलग कंट्रीज़ में जो लैंग्वेज है वो अलग अलग स्लैंग्स होते हैं, तो वो अगर जान ले तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि एक बार आप कनाडा में आते हैं तो आप रहेंगे कहाँ पे? आपके अगर फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो आप वहाँ पे रह सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है Airbnb का। Airbnb जो है वो आप बुक करा सकते हैं कुछ दिन के लिए, महीने के लिए, और उस हिसाब से आप सारी चीज़ें प्लान आउट कर सकते हैं। अगर आपको एरियाज़ के बारे में पता नहीं है, तो अगर आप ओंटारियो में आ रहे हैं तो ब्रैम्पटन हो गया, मिसिसागा हो गया, ये मेन एरियाज़ हैं जहाँ पे साउथ एशियन कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आपको डाउनटाउन के पास रहना है तो नॉर्थ यॉर्क हो गया, रिचमंड हिल हो गया या वॉन हो गया, यहाँ पे आप रह सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना Airbnb बुक करा सकते हैं। तो एरिया के हिसाब से प्राइजेस भी डिफरेंट होते हैं Airbnb के, तो वो एक बार आप करा लें। अगर कुछ महीने के लिए करा लेते हैं, फॉर से मैंने कुछ दिन के लिए कराया था, और उस टाइम में ही मुझे एक घर मिल गया था रहने के लिए, और फिर मैं वहाँ मूव कर गया था, तो आप वो अकॉर्डिंगली भी करा सकते हैं, और वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आपके पास एक छत होती है और वहाँ पर आप खाना वाना बना सकते हैं, किचन का एक्सेस होता है, सारा कुछ होता है, तो उस बेस पे आपको जगह का भी पता लग जाता है कि जहाँ आपने रहना है, और अगर आपकी जॉब लगती है उस ड्यूरिंग ही, तो आप जॉब के पास भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट आ जाता है कि आपने यहाँ पे आके जॉब करनी है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मार्केट कैसे काम करती है, अगर आप वो आपको पता होगा तो उसके लिए आपको पहले ही तैयारी करके आनी पड़ेगी। आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने एक्सपीरियंस लेटर हैं, वो आप साथ में लेके आएँ, कोई रेफरेंस लेटर्स हैं तो वो ला सकते हैं,
और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो प्रोफेशंस हैं वो या रेगुलेटेड होते हैं या अनरेगुलेटेड होते हैं, तो वो आप पहले पता करके आएँ। जिस भी प्रोफेशन में आप आ रहे हैं अगर वो रेगुलेटेड है तो यहाँ पे आपको पहले आके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पे आपको उनको एडमिशन दिलवाना पड़ेगा। तो किस तरह से एजुकेशन सिस्टम कनाडा का वर्क करता है, अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, और कैसे आप अगर मिड सेशन में आ रहे हैं तो बच्चे की एडमिशन यहाँ पे कैसे करानी है, कहाँ जाना है, कितने साल में कौन सी क्लास में यहाँ पे लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें जानना भी ज़रूरी होती है। उसके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हैं, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहती हैं, ताकि आप यहाँ पे आके टाइम वेस्ट ना करें और जो अपनी एजुकेशन, अपनी अपने बच्चों की एजुकेशन आपने कंटिन्यू करनी है वो आप कर सकते हैं। कनाडा में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको एक हेल्थ प्रोग्राम में एनरोलमेंट मिल जाती है, और यहाँ पे हेल्थ केयर वगैरह जो है वो काफ़ी हद तक फ्री है, लेकिन पहले 3 महीने आपको वो खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप ओंटारियो में आ रहे हैं तो 3 महीने बाद आपका वो प्रोग्राम में एनरोलमेंट होता है, और आपको जो हेल्थ कार्ड मिलता है वो 3 महीने बाद आप यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो एक एडवाइस ये भी है कि पहले 3 महीने के लिए एक प्राइवेट इंश्योरेंस आप यहाँ पे ले लें, क्योंकि हेल्थ के जो खर्चे हैं, आउट ऑफ पॉकेट खर्चे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। सो आई डोंट वांट कि इस तरह का कोई भी इशू हो, बिकॉज़ मेरा एक दोस्त आया था, वो विज़िटर वीज़ा पे यहाँ पे आया था, लेकिन ठंड में आया था, और एक बार बाहर गया और ठंड में सारी बर्फ़ जम जाती है यहाँ पे रोड्स पे, और वहाँ पे वो स्लिप कर गया और उसकी पैर की हड्डी टूट गई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था उसके लिए। तो आई जस्ट वांट कि वो आप अवॉइड कर सकते हैं तो करें ज़रूर। जब आप कनाडा में आएँ तो पहले कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट आप पूरी तैयारी करके आएँ, कि अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो सर्दियों के कपड़े प्रॉपर लेके आएँ। मैं ये आपको एडवाइस करूँगा कि बहुत ज़्यादा कपड़े ना लेके आएँ सर्दियों के, क्योंकि इंडिया की या फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ की और कनाडा की सर्दी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इनिशियल कुछ दिन के लिए आप गर्म कपड़े ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डीकैथलॉन से लेके आया था, वहाँ पे -25 degrees या -20 degrees तक की जैकेट्स मिल जाती हैं। तो कुछ दिन के लिए जब तक आप बाहर जाके अपने लिए प्रॉपर यहाँ पे शॉपिंग ना कर लें, उसके लिए आप प्रॉपर सामान लेके आएँ, जैकेट ला सकते हैं या फिर बूट्स भी ला सकते हैं। जब मैं आया था तो डीकैथलॉन में अराउंड 5000 के बूट्स मिलते हैं, स्नो बूट्स, वो आप ला सकते हैं, वो काफ़ी सही होते हैं। और हैट हो गई, ये चीज़ें पहले कुछ दिन के लिए लेके आएँ। और जो आप ला सकते हैं यूटेंसिल्स हैं, यहाँ पे स्टील के यूटेंसिल्स इजीली नहीं मिलते हैं, अगर आपको आदत है वो यूज़ करने की और आपको अच्छा लगता है तो आप सेट ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रेस्टीज का एक सेट लाया था जिसमें यूटेंसिल्स थे, फ्राइंग पैन हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें कुकर लेके आना चाहिए कि नहीं, मतलब खाना बनाना है, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप लेके आएँ, एक कुकर ज़रूर लेके आएँ, एक बड़ा ला सकते हैं, एक छोटा ला सकते हैं अकॉर्डिंगली आपके फैमिली साइज़ के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है, कुकर की नॉब वगैरह सब कुछ, लेकिन वो काफ़ी महंगी होती हैं, तो वो अकॉर्डिंगली आप इनिशियली अगर ले आएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ये जो मैं महंगी की बात कर रहा हूँ वो मैं इस रिगार्ड में कर रहा हूँ कि आप जब नए नए आते हैं इस कंट्री में तो इंडियन रुपीज़ में आपने कमाया होता है, लेकिन जो स्पेंड कर रहे होते हैं वो डॉलर्स में कर रहे होते हैं, तो वो जब कन्वर्जन दिमाग में चलती है तो वो बहुत महंगा लगता है, लेकिन डाउन द लाइन जब आपके पास जॉब होती है, आप कमाना स्टार्ट करते हैं, तो वही चीज़ें महंगी नहीं लगती हैं। अब मैं एक एग्जांपल बताऊं तो नए नए आप आते हैं यहाँ पे, एक कॉफ़ी पीने का बहुत शौक है लोगों को, जब आप जाते हैं तो नई नई कॉफ़ी $2.5-3 की होती है, आपको लगता है यार इज़ इट वर्थ इट, मतलब क्यों $2.5-3 स्पेंड किए जाएँ, वो 100-150 रुपये हो जाते हैं इंडिया के। लेकिन जब आप बाद में कमाना शुरू करते हैं तो वही कॉफ़ी की आदत रोज़ लग जाती है, और वो रोज़ आप पीते रहते हैं, तब दिक्कत नहीं लगती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मेजर कंसर्न होता है लोगों का, कि इलेक्ट्रॉनिक्स अपना मोबाइल हो गया या फिर लैपटॉप हो गया, ट्रिमर हो गया, वो लेके आए कि नहीं। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर 110 से 220 वोल्ट तक का लिखा हुआ है तो तभी उसको लेके आएँ, वरना ना लेके आएँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जैसे मिक्सी हो गई या फिर ट्रिमर हो गया, ये चीज़ें यहाँ पर चलती नहीं हैं, तो आपका सिर्फ वज़न ही बढ़ेगा जो लगेज लेके आ रहे हैं, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और लैपटॉप हो गया, लैपटॉप अगर आपको लग रहा है कि आपका ठीक चल रहा है और आपको यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है तो आप ला सकते हैं, लेकिन एक अडैप्टर लेके आएँ जो कन्वर्टर है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं कनाडा में, और वो 3-4 आप लेके आएँ, क्योंकि अगर मोबाइल है या फिर लैपटॉप है, हर चीज़ में आपको चाहिए होगा। वो जो आपके मोबाइल्स होते हैं यहाँ पे, यूजुअली ज़्यादातर मोबाइल्स चल जाते हैं,
लेकिन कुछ मोबाइल्स हैं जिसमें 4G या 5G नेटवर्क यहाँ पे नहीं पकड़ता है। तो मैं एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल यहाँ पे चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन यूजुअली ज़्यादातर मोबाइल चल जाते हैं, आपके पास Xiaomi हो गया या फिर कोई भी इस तरह के ब्रांड्स हैं जो यहाँ नहीं मिलते हैं लेकिन वो यहाँ पे अच्छे से काम करते हैं। कुछ और चीज़ें जो मैं लेके आया था, मैं बेडशीट्स लेके आया था जो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे फिटेड बेडशीट्स होती हैं, आपके बेड के हिसाब से अलग अलग बेड साइज़ हैं, जैसे ट्विन है, क्वीन है, किंग है या फिर डबल है, उस हिसाब से आपको फिटेड बेडशीट्स मिल जाती हैं जो आप अंदर इलास्टिक होता है उसमें टक इन कर दें और वो मतलब हिलती नहीं है कि आप बैठें और वो निकल जाएगी, सरक जाएगी, वो नहीं होता है। तो जैसे मैं इंडिया से लाया था उसमें वो फिटेड वाला सीन नहीं था, तो वो जब भी आप बैठो तो वो निकल जाती थी। सो मैंने वो यूज़ नहीं करी है, अगर आपका मन है तो आप ला सकते हैं। बहुत सारी जगहें हैं जैसे IKEA हो गया, Costco हो गया, Walmart हो गया, वहाँ पे अच्छे $20-$30 या फिर $40 तक की आपको बेडशीट्स मिल जाती हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में डालें अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन जाननी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।